ऐसी होती है जो बिग बॉस के घर में 1.5 घंटे के एपिसोड में हमें देखने को मिलती है, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें देखने को नहीं मिलती है। उसे हम लेकर आते हैं आपके लिए लाइव फीड में से निकाल कर। बता दूं आपको, जहां एक तरफ आप लोग रूबीना और राहुल वैद्य को हमेशा लड़ते हुए देखते हैं, वहीं पर एक ऐसा मोमेंट कैप्चर किया गया है जो कि बहुत लोगों को पसंद आएगा। आखिरकार क्या है इसमें, चलिए बात करते हैं। नमस्कार, मैं हरदम ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से रूबीना और राहुल वैद्य दोनों ही लड़ते हुए नजर आते हैं, जिसका असर भी हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर, जहां एक तरफ रूबीना की फैंस फौज कह लीजिए जो कि 3.5 मिलियंस की अभी हो चुकी है, और जहां दूसरी तरफ राहुल वैद्य की आर्मी जो इस समय आगे लाने में लगी हुई है, वही। और इसकी वजह भी बहुत सिंपल सी है कि 1.5 घंटे के एपिसोड में हम ज्यादातर राहुल को और रूबीना को लड़ते झगड़ते हुए एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हुए ही देखते हैं। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि रूबीना दलायक और राहुल वैद्य एक दूसरे से आपस में बातचीत कर रहे थे। इनफैक्ट यहाँ पर किस तरीके से रूबीना ने शेयर किया उनका एक्सपीरियंस की जब वो शक्ति सीरियल में काम कर रही थी, तो किस तरह से उन्हें वो कैरेक्टर मिला, वो रोल उन्हें मिला। इनफैक्ट उन्हें ये भी वजह बताई कि आखिरकार किस क्यों उन्होंने इस एपिसोड को छोड़ा, यानी कि इस पूरे सीरियल को छोड़ा। और यहां तक उन्होंने ये भी बताया कि मेरी लाइफ ने कैसे टर्न लिया और मैं किस वजह से सीधा रियलिटी शो में आ गई। खैर आपको बता दूं कि वजह जो है वो म्यूट कर दी गई थी, इसके लिए वो सामने नहीं आ पाई है। अगर हो सकता है एपिसोड में दिखाई जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है लाइव सेशन के दौरान भी जब लाइव फीड हम देखते हैं उस समय पर भी चीजों को काफी ज्यादा म्यूट कर दिया जाता है, तो ऐसे में कुछ चीजें आती है सामने, कुछ चीजें नहीं आती है। फिलहाल आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस कैप्चर मूवमेंट के लिए, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।